नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि IGBP सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जो कि 2022 में से निकाली गई है। असल में यह वैकेंसी अभी आई नहीं है, आगे हम जानेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्ट हैं और सारी वह जानकारी हम हासिल करेंगे जो एक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी के लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इसमें कितने पोस्ट आई हैं। तो पोस्ट बहुत अधिक नहीं है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 18 पद निकाले गए हैं स्टाफ नर्स के SI के। अनरिजर्व की बात करें हम तो इसमें देखिए 11 पद निकाले गए हैं, SC के लिए केवल एक हैं, ST के लिए दो हैं, OBC के लिए दो हैं और EWS के लिए दो पदें निकाली गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर 18 पद निकाले गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरा जाना प्रारंभ होगा। तो आज आपको पता है कि आज 4 अगस्त है और इसका जो फॉर्म है वह 17 अगस्त से भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा। 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लगभग एक महीने के आसपास का आप लोग को समय मिलेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन आप लोग को जानकारी होनी चाहिए पहले ही कि इसमें कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो 200 रुपये आप लोग को अदा करना होगा यदि आप लोग जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं, और यह केवल मेल के लिए है। यदि आप फीमेल हैं और यदि आप जनरल OBC और EWS से संबंधित फीमेल हैं तो आप लोगों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा और जो कैटेगरीज बच जाती हैं जैसे कि SC ST हो गए, उन्हें फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही फीमेल किसी भी कैटेगरी की उन्हें फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो 21 से 30 साल इसमें एज लिमिट है, यानी कि यदि आप 21 से 30 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपके एज की जो गणना की जाएगी वह 15 सितंबर 2022 से की जाएगी, यानी कि इसके लास्ट डेट से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एज है, यानी कि आपकी जो जन्म हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है वह 16/9/1992 के पहले यदि नहीं हुआ है और 16/9/2001 के बाद का नहीं हुआ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका जन्म 16/9/1992 के पहले का नहीं है और 16/9/2021 के माफ़ कीजिएगा 16/9/2001 के बाद का नहीं है तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य होंगे। और जैसे कि अन्य कैटेगरीज़ को छूट मिलती है 3 साल 5 साल, तो उस प्रकार की छूट इसमें भी आप लोगों को मिलने वाली है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ जो कि एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है किसी फॉर्म को भरने का, तो इसमें देखिए इसमें 3 तरह के आप लोग के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला तो आप लोग के पास 10+2 का एग्ज़ाम आप लोग पास होने चाहिए, यानी कि 12th का एग्ज़ाम आप लोग के पास, यानी कि 12th एग्ज़ाम का आप लोग के पास सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। और जो दूसरा योग्यता है वो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यदि आपके पास है यानी कि इसकी इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में ही इसी से संबंधित आप लोग के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जब आप कोई कोर्स कर लेते हैं जैसे इस प्रकार के कोर्स हो गया, इसे करने के बाद एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन आप लोग को कराना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए CNC यानी कि सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इन दोनों में से यदि किसी में भी आप रजिस्टर्ड हैं एज ए जनरल नर्सिंग तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल यदि योग्यता की बात करें तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए नर्स के रूप में, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। डिज़ायरेबल मतलब हो गया कि जो वांछनीय है, यानी कि यदि आपके पास नहीं है ये 3 साल का एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं और यदि आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किया हुआ है और आप रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स के रूप में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजायरेबल होता है इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास इस प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आप लोग को थोड़ा सा वरीयता मिल सकता है पेपर में। अब वो अलग अलग तरह से होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जब 2 लड़के यानी कि 2 अभ्यर्थी एक ही नंबर पाए रहते हैं और एक ही सीट मौजूद होता है तो उसमें ये होता है कि जिसके पास मान लीजिए इस प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसे मौका दे दिया जाता है, पहले उनका भर्ती पहले कर लिया जाता है। या फिर कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें नंबरों का फ़ायदा दिया जाता है, जैसे 3 नंबर हो गया या फिर 5 नंबर हो गया तो ये एक्स्ट्रा उन्हें मिल जाता है, तो यही फ़ायदा होता है। नहीं तो ये कोई होना एक्सपीरियंस होना इस फॉर्म को भरने के लिए कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है, आप लोग इस बात को समझिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की।
इसका सिलेक्शन प्रोसेस विभिन्न स्टेप में होता है। सबसे पहले आप लोग का पीटी होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें सामान्य रूप से दौड़ भाग हो सकता है। दूसरा आप लोग का पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आप लोग के चेस्ट और हाइट की माप की जाती है। डब्ल्यूटी यानी कि रिटन टेस्ट होगा आप लोग का, और डीडब्ल्यू यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इस सभी प्रक्रिया के बाद आप लोग इसमें चयनित हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि यह अभी शॉर्ट नोटिस निकाला गया है इसके संदर्भ में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी इसका फॉर्म जो है वो 17 अगस्त से फॉर्म भरना प्रारंभ होगा, तो तब जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में सारी जानकारी जब दी रहेगी तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, जो भी जानकारी से संबंधित होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी आपको हो सके। देखिए आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके वीडियोज़ कम से कम जो आप लोग देखें उसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके और हमारी वीडियोज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।